एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज है संडे और मैं आज कोई ब्लॉग नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। वो है कचौड़ी की रेसिपी, ग्रीन मटर की जो कचौड़ी होती है बहुत ही खास्ता। आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिए। बहुत ही ईजी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए मैं बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी मैदा। अब मैं इसमें डालूँगी इसका 1/3 सनफ्लावर का ऑयल। इसके जगह आप लोग देसी घी या फिर वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी नमक और सबको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। और इसको इस तरीके से मिलाना है जैसे इसके जब मुट्ठी बंधूँ मैं तो एक डो जैसा बन जाए। देखिए दिखने में ऐसा है लेकिन मुट्ठी बनती हूँ तो इस तरीके से बन जाता है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी पानी और थोड़ा थोड़ा पानी मिला मिला के मैं इसका डो बना लूंगी अच्छे से। तो इसका डो इस तरीके से बनेगा कि जैसे हमारा रोटी और पराठा बनता है उससे थोड़ा सा नरम बनेगा। थोड़ा सा नरम बनेगा तभी अच्छा बनेगा हमारे जो कचौड़ी है वो। तो मैं अच्छे से इसको गूंथ लेती हूँ। देखिए इस तरीके से डो को बनाना है, नरम ही रखना है। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। अब हम स्टफिंग का, जो कचौड़ी का स्टफिंग होगा उसका तैयारी कर लेती हूँ। तो ये है हरा मटर और ये भी मैंने लिया है एक कटोरी और इसको मैं पीस लूँगी मिक्सर से। अगर आप चाहे तो सिलवट्टे से भी पीस सकते हो। तो और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक करीब 1 चम्मच जैसा होगा। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा और सनफ्लावर का ऑयल और ये है हींग। तो थोड़ा सा हींग डालूंगी मैं इसमें। अब मैं डालती हूँ इसमें काली जीरा, मंगरेला काली जीरा आप जो भी बोलते हो वही। ये थोड़ा सा तड़क जाए उसके बाद मैं डालूंगी इसमें जो अदरक मैंने पीस के रखा है वो। अब अदरक को और सारे जो है मंगरेला और हींग सबको मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ वो पेस्ट, हरा मटर का पेस्ट जो मैंने बनाया है, और इसको थोड़ी देर चला लूँगी। और इसमें जो लगा हुआ है इसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है और वो भी पानी एक साथ डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी सूख जाए अब मैं इसमें डालूँगी नमक, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा क्योंकि ये मीठा खट्टा सब कुछ इसमें आएगा। तो थोड़ा सा नमक डालना है और इसमें डालूँगी मैं अभी चीनी ये भी थोड़ा सा, और ये है धनिया के पाउडर 1 चम्मच जैसा, और सबको एक साथ मैं मिला लूँगी। इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालना है क्योंकि जो हरा मटर है इस सीज़न का तो ये बहुत ही मीठा होता है। अब मैं डालती हूँ इसमें चाट मसाला, इसके जगह आप लोग आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और मैं सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, आप लोग जितना तीखा पसंद करते हो उतना डालना। और सबको अच्छे से मिला के एकदम सूखा बना लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और ये धीमी आंच पर ही मैं पका रही हूँ। और देखिए इस तरीके से जब कढ़ाई से निकलने लगे अपने आप, उस टाइप जब हो जाए तब इसको निकालना है। और ये मेरा स्टफिंग रेडी हो गया है। अब मैं मैदे को फिर से एक बार
गूंथ लेती हूँ। और थोड़ी देर गूंथने के बाद और फिर मैं ढक देती हूँ और इसका मैं छोटे छोटे बॉल बना लेती हूँ। ये ठंडा हो जाए तभी इसको बॉल बनाना है। तो ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसका बॉल बना रही हूँ। गोल गोल करके बॉल बना लेती हूँ इस तरीके से। और जैसा मैंने वो स्टफिंग का बॉल बनाया उसका डबल ये मैदा का बॉल बनाना है, तभी अच्छे से कोट हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसको दबा के इस तरह से एक कटोरी जैसा बनाना है। ये कटोरी हो गया है रेडी। अब मैं इसमें एक बॉल डालती हूँ और चारों तरफ से इस तरह से खींच खींच के इसको मैं भर देती हूँ और अच्छे से बंद कर देती हूँ। अब थोड़ा सा हल्के हाथों से इस तरह से घुमाना है और थोड़ा सा इसमें पेस्ट कर देना है। अब हल्के हाथों से इस तरह से चारों तरफ फैला देना है हाथ के मदद से ही। और ये देखिए मैंने मैदा ले लिया है और मैदे के मदद से मैं इस तरीके से चारों तरफ फैला देती हूँ हाथ के मदद से ही। और देखिए चारों तरफ फैल गया है। अब इसको एकदम धीरे धीरे करके बेल लेना है, ज़्यादा जल्दी हड़बड़ी में नहीं होगा, ये धीरे धीरे करके इसको अच्छे से बेल लेना है। देखिए बिल्कुल भी नहीं निकला है, कितने अच्छे तरीके से बन गया है मेरा कचौड़ी। अब फिर से मैं एक और लेके इसी तरह से बना लेती हूँ। आप लोग अपने घर में इस तरह से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताना कैसा बना है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो घंटी का बटन आ रहा है उसमें क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। मैंने दो कचौड़ी बेल लिया है, अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जो मेरा बचा हुआ है वो मैं बाद में फ्राई करूँगी और बेलूंगी भी। तो पहले मैं ये दो सेक के आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से मैं बनाती हूँ। ऑयल गरम हो जाए फिर इसको डालना है और इस तरह से पलट देना है धीरे से, और गैस को मीडियम कर देना है फिर से। और देखिए फूल गया है कचौड़ी, कितने अच्छे बने हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे बने हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। इस मौसम में कचौड़ी ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं दो फ्राई कर लेती हूँ। तो कचौड़ी मैंने बना लिया है और ये बहुत ज़्यादा खास्ता बना था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।